मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार विंध्य इलाके में पटेल पॉलिटिक्स को बड़ा झटका लगा है। आपको सुनने में यह शब्द अटपटा लग रहा होगा, लेकिन विंध्य में पटेल पॉलिटिक्स का जबरदस्त असर रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी या बीएसपी, सभी पार्टियों में पटेल छत्रप मौजूद है। सबके अपने अपने इलाके हैं और वो राजनीतिक रूप से मजबूत भी रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में विंध्य के पटेल छत्रपों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आज के वीडियो में हम उसी पटेल पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो चुनावी नतीजों के बाद बेहद कमजोर नजर आ रही है। विंध्य में पटेल पॉलिटिक्स के बॉस सतना सांसद गणेश सिंह माने जाते हैं। 4 बार से लगातार सांसद हैं। इस बार उन्हें सतना विधानसभा सीट से उतारा गया था, जो कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से हार गए। उनकी इस हार से यह तो साफ हो गया कि सतना विधानसभा क्षेत्र में गणेश कमजोर हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है वह भी समझिए। दरअसल गणेश सिंह ने सतना में जिस तरह जातिवादी राजनीति को हवा दी है, उससे क्षेत्र की जनता का कोई भला नहीं हुआ। विकास के मामले में सतना रीवा से कई सालों पीछे है। इस बार लोकसभा में उनकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विधानसभा में जब बॉस ही हार गए तो फिर दूसरे छत्रपों का क्या हाल हुआ होगा। कांग्रेस में पटेल पॉलिटिक्स के बॉस कमलेश्वर पटेल रहे। उन्हें ओबीसी का नेता कहा जाता है, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि कमलेश्वर ओबीसी के नहीं बल्कि पटेल पॉलिटिक्स के सरदार हैं। यदि वो ओबीसी नेता होते तो सिहावल चुनाव में उनकी प्रचंड हार नहीं होती। हारने के बाद उनका तिलस्म भी टूट चुका है। जिस तरह से धनबल का और प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग किया है और उसी आधार पे ये चुनाव जीतने का पूरी तरह से षड्यंत्र है। बीजेपी इस बात पर खुश है कि उसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर को हरा दिया, जबकि असल में बीजेपी ने कांग्रेस की पटेल पॉलिटिक्स को धराशायी किया है। कमलेश्वर अकेले ही नहीं डूबे। नागौर से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल को कमलेश्वर की पैरवी के बाद टिकट मिला था, लेकिन वे तीसरे पायदान पर रही हैं। अमरपाटन के पूर्व भाजपा विधायक राम खेलावन तो आपको याद होंगे, सड़क पर पड़ा 2000 का नकली नोट उठाते हुए वायरल हुए थे। पांच साल से अमरपाटन में पटेल पॉलिटिक्स का झंडा गाड़े हुए थे। उन्होंने तमाम सरकारी कार्यालयों में जातिवाद का ऐसा जहर घोला कि सरकारी कर्मचारी परेशान हो गए थे। इस बार उनकी हार पहले से तय मानी जा रही थी। लाडली बहना फैक्टर भी उन्हें नहीं जिता पाया। जातिवाद राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया है। इनके अलावा बीएसपी ने भी पटेल पॉलिटिक्स को खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी प्रत्याशी नहीं जिता पाए। सिमरिया विधानसभा से बीएसपी कैंडिडेट पंकज पटेल ने 44,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन लड़ाई में ही नहीं रहे। देवतालाब विधानसभा से बीएसपी कैंडिडेट अमरनाथ पटेल भी 30,000 वोट हासिल करके लड़ाई से बाहर रहे। पहले उन्हें फाइटिंग कैंडिडेट माना जा रहा था। सिरमौर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल इस बार अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो उन्होंने भीतरघात करके पटेल वोटों को बीजेपी में शिफ्ट करा दिया। अब जल्द ही उनका भी सियासी समापन होने की संभावना है। त्योंथर से राम लखन सिंह पटेल के बेटे रमाशंकर सिंह पटेल 3 बार से लगातार हार रहे हैं, तो तराई की पटेल पॉलिटिक्स को खत्म ही समझिए। मऊगंज अकेली विधानसभा है जहां बीजेपी से पटेल उम्मीदवार प्रदीप पटेल ने जीत हासिल की है। इस बार मऊगंज के सामान्य मतदाताओं का भी उन्हें समर्थन हासिल हुआ है, जबकि चुनाव के ठीक पहले वो अपनी एक किताब के कारण विवादों में आए थे। शुरुआत में तो मऊगंज के ब्राह्मण और वैश्यों में काफी नाराजगी थी, लेकिन एन मौके पर यह नाराजगी दूर हो गई।
तो विंध की 30 सीटों पर प्रदीप पटेल अकेले कुर्मी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। पटेल पॉलिटिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।